लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ तवा मछली। जिसका कि आपको पता है सर्दी है, हर घर में डिफरेंट तरीके से मछली तैयार की जाती है। मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ तवा मछली की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने 3.5 किलो मछली ले ली थी, जिसको मैंने वॉश किया, नमक और सिरका लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा वॉश किया और एक बास्केट ली जिसमें सुराख थे, ताकि और तकरीबन ये सारी रात उस बास्केट में रही और जितना पानी था इसका देखें सब निकल गया। ये फिश काफ़ी हद तक ड्राई हो गई। अब हम फिश मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए देखें मैंने जायफल जलवत्री थोड़ी थोड़ी ले ली है, ये 2 पीस मैंने दालचीनी के, 10 से 15 लौंग हैं, काली मिर्चें वो भी 10 से 15 हैं, ये 1 टीस्पून ये अजवाइन, और भर के मैंने 1 टेबलस्पून जीरा साबुत लिया है, इसी तरह 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और ये है मेथरे ये भी 1 टीस्पून है। इन तमाम चीज़ों को मैं भून के उसके बाद हम इससे अच्छी तरह मोटा सा मैं दादड़ सा इसका एक मसाला तैयार कर लूँगी। पाउडर होगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमने ग्राइंड नहीं करना उसको। अब हम फिश को मैरिनेट करने के लिए मैंने ये 5 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है, इसके अंदर ये लहसुन और अदरक की पेस्ट है, ये भी 3 टेबलस्पून लहसुन है और 3 टेबलस्पून अदरक है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये जो मैंने फिश मसाला बनाया था इसको देखें मैंने ऐसे मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। अभी फ़िलहाल इसके मैं 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी। टू टेबल स्पून ये खुश्क मेथी है वो इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा बस चुटकी मैं इसमें हल्दी वो सॉरी हल्दी कह रही हूँ ये जर्दा रंग वो ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून नमक है, इसको मैं बाद में फिश पे लगाने के बाद दोबारा टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें मिक्स करूँगी, उसके बाद हम फिश को मैरिनेट करेंगे। ये 1/4 कप मैं ऑयल भी इसमें अभी शामिल कर लेती हूँ, और ये 5 से 6 अदद लेमन थे जिनका मैंने जूस निकाल लिया था वो इसमें शामिल करेंगे, उनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अगर किसी चीज़ की मुझे कमी लग रही है तो मैं इसे अभी मसाले में ऐड कर लेती हूँ। अब मैं तमाम फिश पे इस मसाले को लगाऊंगी और 6 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। तमाम फिश पे देखें मैंने मसाला अच्छी तरह लगा दिया, मैं इसे बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए मैं इसे सारी रात मैं इसे मैरिनेट करके रखूंगी। व्यूअर्स, फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, तकरीबन मैंने इसे सारी रात मैरिनेट करके रख दिया था। चेक करने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्चें कम लगी, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसमें और ऐड किया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है, बहुत कम मैंने ऑयल डाला है क्योंकि तवे पे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, और देखें ये गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर फिश को फ्राई करूंगी।
फिश को हम बहुत लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि फिश हमारी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। देखिए हमारी ज़बरदस्त तवा मछली रेडी हो चुकी है। ये फ्राई फिश से बिल्कुल टेस्ट में चेंज है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।